आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीवन परिचय, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में 6 अगस्त सन 1904 ई को हुआ था। माता पिता का निवास लखनऊ में होने के कारण इनका बचपन यहीं व्यतीत हुआ। अपनी शिक्षा भी आपने यहीं माता पिता की छत्र छाया में रहकर प्राप्त की। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक होने के बाद इन्होंने MA PH डीलिट की उपाधियां लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। पांडिनी कालीन भारत नामक इनका शोध प्रबंध विद्वानों द्वारा काफी सहारा गया। पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं और उनके साहित्य का गहन अध्ययन एवं अनुसंधान करके डॉक्टर अग्रवाल ने उच्च कोटि के विद्वान के रूप में पर्याप्त ख्याति अर्जित की। इन्होंने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक के पद पर कार्य किया। सन 1946 से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशिया एक्टिविटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट पद पर तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया। 1951 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। इस प्रकार प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति का यह महान विद्वान जीवन भर अनुसंधान का प्रकाश विकिरण करता हुआ 26 जुलाई सन 1966 ईस्वी को परलोक सिद्धार गया। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपने जीवन काल में प्रमुख रचनाएं लिखी, जैसे उरज्योति कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष मालिक, मोहम्मद जायसी, पद्मावत पाणिनी कालीन, भारतवर्ष, पृथ्वी पुत्र भारत की मौलिक एकता। ये वासुदेव शरण की प्रमुख रचनाएं हैं। नंबर 2, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। प्रोजी सुंदर रेड्डी का जन्म 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जनपद के बत्तुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई, लेकिन हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषाओं पर भी इनका पूर्ण अधिकार है। प्रोजी सुंदर रेड्डी ने हिंदी के साथ साथ आपने या इन्होंने तमिल और मलयालम भाषाओं पर भी साहित्य लेखन का कार्य किया है। ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के 30 वर्षों से भी अधिक समय तक अध्यक्ष रहे तथा यहीं पर कुछ समय तक स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इस राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक प्रोजी सुंदर रेड्डी ने 30 मार्च 2005 को इस दुनिया को छोड़ दिया। प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का साहित्य परिचय। प्रोजी सुंदर रेड्डी का हिंदी के विकास और प्रगति में अमूल्य योगदान है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक के रूप में प्रोजी सुंदर रेड्डी ने कई ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का प्रमाण दिया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला जीवन परिचय है प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बैजे गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनके ज्योतिषी पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र कानपुर आकर सपरिवार रहने लगे। यहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पिता इन्हें ज्योतिष पढ़ाकर अपने पैतृक व्यवसाय में लगाना चाहते थे, पर इनका स्वभाव मनमौजी था जो ज्योतिष में नहीं रमा। यह कुछ समय तक अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़े, किंतु कोई भी अनुशासन और निष्ठा का कार्य जिसमें विषय की नीरसता के साथ प्रतिबद्धता भी आवश्यक होती है, इनके मनमौजी और फक्कड़ स्वभाव के विपरीत था। आता है यह यहां भी पढ़ ना सके और घर में स्वाध्याय से ही इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। कानपुर में 38 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1854 ईस्वी में यह स्वर्ग सिधार गए। प्रताप नारायण मिश्र जी का साहित्यिक परिचय। प्रताप नारायण मिश्र जी के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ बड़ा ही दिलचस्प रहा। लावणीबाजों का केंद्र था और प्रताप नारायण मिश्र जी को लावणी अत्यंत प्रिय थी। लावणीबाजों के संपर्क में आकर इन्होंने लावणियां और ख्याल लिखना शुरू कर दिया। यहीं से इनके कवि और लेखन जीवन का प्रारंभ हुआ।
प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं, उनकी रचनाएं निम्न हैं, जैसे निबंध में है बात, निबंध नवनीत प्रताप, पीयूष प्रताप समीक्षा। यह प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं।